कहानी की शुरुआत खतरनाक जंगलों के बीच एक घर में होती है, जहां हमें दिखाए जाते हैं तीन दोस्त जो यहाँ आए हैं अपनी छुट्टियां मनाने। नहर के किनारे दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे, तो उनकी एक दोस्त जेसिका घर के अंदर लेटी हुई थी। पर जब उसकी एक दोस्त उसके पास आ अपनी किताब पढ़ती है, जेसिका को अचानक कुछ हो गया। वो बिना देखे अजीब सी आवाज में उस किताब में जो लिखा है वो बोलने लगी। उसे उल्टियां आने लगती हैं, वो बेहोश हो गई। पर तभी अचानक उसने अपनी दोस्त का गला पकड़ उसके बाल उखाड़ दिए और फिर बाहर जा खुद पानी में कूद गई। उसका दूसरा दोस्त जब उसे बचाने पानी में गया, जेसिका ने उसका सर भी धड़ से अलग कर दिया। वो पानी से निकल हवा में उड़ने लगी, जहां दिखता है इस मूवी का टाइटल इविल डेड राइज। दोस्तों, ये सब कैसे हुआ इसे जानने के लिए हमें इस कहानी में एक दिन पीछे जाना होगा। हम एक पुरानी बिल्डिंग में एली नाम की औरत और उसके तीन बच्चों को देखते हैं, जहाँ आज उसकी बहन उससे मिलने आई। एली की बहन का नाम बेथ है और वो आते ही सबको अपने लाए हुए तोहफे देने लगती है। पर जब वो उसके पति का तोहफा निकालती है, माहौल बदल गया, वहां खामोशी छा गई। जिसके बाद एली अपने तीनों बच्चों को कार ले पिज्जा लेने भेज देती है, ताकि अकेले में बेथ से बात कर सके। एली ने बेथ को बताया कि उसके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया, जो सुनने पर बेथ ने कहा कि उसने उसे इसके बारे पहले क्यों नहीं बताया। जिस पे एली जवाब देती है कि उसने उसे कॉल की थी, पर उधर से जवाब उसका ही नहीं आया। इधर एकदम से एक भूकंप आ गया, जिसमें फंस गए एली के तीनों बच्चे। वो नीचे कार पार्किंग में है, जहां से वो भूकंप से तो बच गए, पर भूकंप खत्म होने के बाद एली का बड़ा बेटा डैनी वह एक बड़े से सुरंग को देखता है, जो किसी अलग से कमरे में जा रही थी। वो उसके अंदर जाता है देखने के लिए कि आखिर वहाँ है क्या। डैनी को अंदर बहुत से क्रॉस दिखते हैं, जिससे एक बात तो साफ हो गई थी कि यहाँ किसी बुरी शक्ति को कैद किया गया है। उसे वहां कुछ किताबें और एक सीडी मिलती है, जिसमें साथ ही कुछ फादर्स की तस्वीर। डैनी वहां एक कब्र को देखता है, जिसमें भी एक सुराख हो चुका था। वो कब्र से एक कपड़े में लिपटी किताब निकालता है, तो वहीं ऊपर हम देखते हैं कि एली अपने बच्चों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर भूकंप की वजह से वहां कोई नेटवर्क नहीं। एली अपने पड़ोस के लड़के से उसकी गाड़ी मांगती है अपने बच्चों का पता करने के लिए, पर जैसे ही वो अंदर से चाबी लाया, एली के बच्चे ऊपर पहुंच गए। एली ने अपने बच्चों को गले लगा लिया। अंदर जाते ही डैनी सबसे पहले उस किताब और सीडी की जांच करने लग जाता है। वो उस किताब को खोल रहा था, पर वो खुल नहीं रही। पर ऐसा करते करते जब उसकी एक उंगली पर चोट लगी, तो एक खून की बूंद किताब पर गिरते ही वो खुल गई। उसमें अजीब अजीब से चित्र बने थे, जहां से एक बात तो साफ थी कि ये चित्र किसी बुरी शक्ति के हैं। डैनी उस सीढ़ी को चलाता है, जिसमें एक फादर बोलता हुआ सुनाई देता है। वो किसी बुरी शक्ति को आजाद करने की बात करते हैं। फादर एक मंत्र बोलना शुरू करता है, जिसे रोकने के लिए डैनी सीडी प्लेयर बंद करता है, पर उस सीडी प्लेयर बंद नहीं हो रहा और मंत्रों की वजह से एक बुरी ताकत आजाद हो गई और सीधा आई एली के अंदर लिफ्ट में। वो एली की हड्डियों को तोड़ देती है, उसने उसे बहुत बुरी तरह मार डाला। इधर डैनी सीडी को नहीं रोक पा रहा और उस किताब के पन्ने भी खुद बदलने लगे। घर की बिजली चली गई। एली की बड़ी बेटी जब लाइट चेक करती है, तो बाहर लाइट थी, अंधेरा सिर्फ उन्हीं के घर में था। थोड़ी देर बाद वहां एली आ गई, जो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। वो अपने पैरों पर चल रही थी, बजाय कि कुछ देर पहले ही उस बुरी शक्ति ने उसकी हड्डियां तोड़ दी थी। वो किचन में जा बहुत अजीब तरीके से अंडे पकाने लगी, पर जैसे ही उसकी बहन बेथ ने वहां उसे बुलाया, वो उल्टी कर देती है। उसकी हालत बुरी लग रही थी, जिसमें ही वो एक बात कहती है कि वो मेरे अंदर है, तुम उससे मेरे बच्चों को बचा लो। ये कहते ही वो बेहोश हो गई। उसकी बहन और बच्चे उसे उठा हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, पर भूकंप की वजह से लिफ्ट भी खराब थी और सीढ़ियां भी टूट चुकी हैं, तो वो बस उसे उसके कमरे में ले गए। उनके पड़ोस का लड़का भी वहां पहुंच गया, जो एली की आंखें अपने हाथों से बंद करता है, पर आंखें अपने आप खुल गई। वो सभी मिल एली के लिए प्रे करना शुरू करते हैं। बेथ अपनी बहन के पास बैठती है, पर तभी उसे एक फोन आया, खुद एली का, पर फोन टूट गया। एली उठ बैठ गई, उसका पूरा शरीर जल रहा था, जो ठीक करने के लिए वो लोग उसे बाथटब में बिठाते हैं, पर एली पानी से कूद दीवार पर चिपक गई। उसने कितनी जोर के चीख मारी कि सब बेहोश ही होने लगे। एली सब पर एक एक कर हमला करना शुरू कर देती है। वो अपनी बड़ी बेटी को बस मारने ही वाली थी कि उसके बेटे ने उसे मार के साइड किया। बाहर से उनका पड़ोसी ये देख रहा था, तो एली उस पर कूद गई। वो उसकी आंख निकाल किसी और पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है, पर इस मौके का फायदा उठा बेथ ने दरवाजा बंद कर दिया। बेथ दरवाजे के छेद से देखती है कि बाहर एली ने बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों को मार दिया। इधर एली की बड़ी बेटी जान चुकी थी कि ये सब डैनी की गलती है, उसकी वजह से ये बुरी ताकत आजाद हुई।
वो लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो एली की सबसे छोटी बेटी को एली दरवाजे के पास अपनी बातों में फंसा रही थी ताकि वो दरवाजा खोल दे। बेथ उसे वहां से हटाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एली की बड़ी बेटी के साथ भी कुछ होने लगा। उसकी नाक से खून निकल रहा था। बेथ जब उसके पास जाती है तो वो देखती है कि वो किचन में कांच खा रही थी। वो भी अब उस बुरी ताकत के कब्जे में है। वो बेथ पर हमला कर देती है, पर जब वो अपनी छोटी बहन को मारने गई, उसकी डोल पर लगी लकड़ी उसके मुंह के आर पार हो गई। डैनी बेथ को सब बताता है कि कैसे उसकी वजह से ये सब हो रहा है। बेथ डैनी की लाइव सीडी सुनने लगती है, जिससे उसे इन सब के बारे पता लग सके। दरअसल ये किताब एक फादर के पास थी जो उसकी अच्छी तरह जांच करना चाहते थे, पर उनके चर्च ने उन्हें ऐसा करने ना दिया। ये काली शक्तियों वाली किताब थी जो इंसान की चमड़ी से बनी है और इसके अंदर सब खून से लिखा गया था। उस सीढ़ी में वो फादर आखिरी में बताता है कि इस बुरी शक्ति से किसी तरह नहीं बचा जा सकता। और ऐसा कहते ही एली एसी के वेंट से बेथ के कमरे में आ गई। बेथ ने एली पर हमला किया, पर दूसरी तरफ एली की बड़ी बेटी ने अपने ही भाई डैनी को जला दिया। अब यहाँ बस बेथ और एली की छोटी बेटी बचे हैं। बेथ को एली मारने ही वाली थी कि एली की छोटी बेटी ने बेथ की ओर एक कैंची फेंकी, जिसे बेथ एली के मुंह पर मार देती है। एली थोड़ी देर तक रुक गई, जिसका फायदा उठा बेथ और एली की छोटी बेटी बाहर गए। पर यहाँ तभी एली भी वापिस आ गई। बेथ के हाथ में गन थी, जिसे उसने एली की टांग तोड़ दी। एली जमीन पर बैठते ही अपनी बेटी को अपने बातों में फंसाने लगती है, पर उसकी बेटी ने वहां साफ साफ कह दिया कि तुम मेरी माँ नहीं। जमीन पर मरे सारे लोग जिंदा होने लगे। वो जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं कि यहाँ से कोई नहीं बचने वाला। बेथ और उस बच्चे के पास अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं, पर उनकी लिफ्ट खराब थी और दरवाजा भी बंद नहीं हो रहा, क्योंकि उस दरवाजे में कुछ चाबियां फंस गई हैं जो एली से पहले गिर गई थी। वो किसी तरह लिफ्ट को चलाते हैं, पर लिफ्ट में खून भरने लगा। उस किताब के पन्ने पलटने लगे और एक क्रिएचर जो उस किताब में था, एली और बाकी सब लोग मिलकर वही बन गए। लिफ्ट नीचे आई, जिसमें खून ही खून भरा था। बेथ और वो बच्ची अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं, पर जैसे ही गाड़ी में बैठे एली उनके सामने आ गई। वो अपनी ही बेटी पर हमला कर देती है, जिसको बचाने के लिए बेथ ने एली पर एक चेनसो से हमला कर दिया। उन्होंने उस पूरे क्रिएचर को ही एक ग्राइंडिंग मशीन में मसल दिया, जिसके बाद वो यहाँ से निकल पाए। पर तभी वहाँ लिफ्ट से एक लड़की आई, जिसका नाम था जेसिका। वो अपने चारों तरफ खून देखकर इससे पहले कुछ समझ भी पाती, उस बुरी शक्ति ने जेसिका को अपने काबू में कर लिया। दोस्तों, अब शायद आपको पता लग गया कि कहानी की शुरुआत में जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा, क्योंकि वो पोजेस है एक ऐसी बुरी शक्ति के द्वारा जिसका कोई अंत नहीं। पर ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, ऐसी और भी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आपको ऐसे ही किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।